गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल इन ट्वीन्स अमन। तो आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली थी कि आज हम करने जा रहे हैं कुछ नया जो है फनी एंड इंटरेस्टिंग क्विज चैलेंज। फ्रेंड्स यहाँ पे है मेरे पास साची के लिए रिडल्स, जिसमें देखते हैं साची इनके जवाब भी दे पाती है या नहीं, वो आपको वीडियो के एंड तक देखने में पता चल जाएगा। और मैंने भी यहाँ पे सोमा के लिए कुछ फनी क्वेश्चंस नोट करके रखे हैं। तो फ्रेंड्स चैलेंज शुरू होने से पहले हम आपको इस वीडियो का ट्विस्ट बता देते हैं। तो ट्विस्ट ये है कि इस बार हम लूजर ने विनर सिलेक्ट करेंगे और लूजर विनर को अपनी पॉकेट मनी देगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स सबसे पहले हम रॉक पेपर सीजर शूट कर लेते हैं कि देखते हैं कौन पहले खेलेगा। तो रॉक पेपर सीजर शूट। तो सोम्या सिलेक्ट करो एक चीट जल्दी जल्दी। तो मेरे पास क्वेश्चन में आया है 12.99 को हिंदी में गाकर क्या कहेंगे। बारह बताओ क्या कहेंगे। बारह नौ नहीं बारह डॉट को क्या कहते हैं बताओ। डॉट को क्या कहते हैं, इसको डॉट का नहीं पता। बारह बिंदी नौ नौ बारह सोचो सोचो देखो एक दो बिंदी नहीं कहेंगे एक दो सुर अच्छा ला सुर तेरा होने लगा हूँ मैं अब मेरी बारी। तो ऐसी कौन सी चीज है जो शेर के पास है और दूसरे जानवरों के पास नहीं है। शेर की दहाड़। शेर के पास स्ट्राइप्स होते हैं ब्लैक। इसको आंसर ही नहीं पता तो क्वेश्चन क्यों लिखी तूने। क्या बोलेंगे क्या होता है सोचो सोचो। शेर के पास सिंहासन होता है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। मैं तो किंग बट ये नहीं मानता कि शेर सिंहासन लेके बैठता है। शेर के पास चीज होती है कोई मायर चीज होती है कि मोज़रेला चीज होती है। पास पास पक्का पक्का। शेर के बच्चे। ओ शेर के बच्चे होते हैं शेर के पास। हाँ क्योंकि शेर के बच्चे तो किसी और के पास तो होंगे नहीं। ठीक है अब रुको मैं सकती हूँ। नाक का दर्द होम क्या लिखी है। नाक का दर्द हमें सबसे ज्यादा क्यों सताता है। नाक का दर्द हमें सबसे ज्यादा क्यों सताता है, क्योंकि हम सांस नहीं ले पाते हैं। नहीं क्यों, जब तेरा नाक का दर्द होता तो तू सांस नहीं ले पाती है। नहीं नाटक बताओ। नाक का दर्द हमें सबसे ज्यादा क्यों सताता है, क्यों क्योंकि वो हर चीज से जुड़ा रहता है। नहीं इसमें भी कोई गाना तो नहीं है ना। नहीं इसमें कोई गाना नहीं है। बस मेरे को सोचने तो दो। आपका दर्द क्यों सताता है मैं नहीं बताऊंगा। सोमा तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग ज्यादा टाइम लेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके पास पास क्योंकि वो दर्दनाक होता है। इंग्लिश का कौन सा वर्ड है जो गलत कहलाता है। रॉन्ग। Oh yeah. So, ये सही है? Yes. Yeah, मेरे बैक पॉइंट।
एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से। लो अब तुम्हारी बारी। मैं ही शफल कर रही हूँ। दुनिया का सबसे पहला आलू कहाँ पाया गया था? कहाँ? खेत में। नहीं, एशिया, इंडिया। किसानों के पास, टोकरी में। नहीं नहीं, जमीन के नीचे। सही है। हाँ थोड़ा दिमाग तो लगाया, चलो दो जब। हाँ ऐसा कौन सा तरह का कुत्ता है जो कभी काटता नहीं है? सोचा। ऐसा कौन सा तरह का कुत्ता है? कुत्ते तो सभी काटते हैं लेकिन हमारा पेट डॉग नहीं काटता है। हो गया, यही आंसर है कंफर्म? रॉन्ग। आंसर बता दूं? पास बता दो। हॉट डॉग। हॉट रखो। लो, जापान के लोग केला खाने के बाद उसके छिलके का क्या करते हैं? क्या करते हैं? डस्टबिन में फेंकते हैं। सिंपल है, केला खाने के बाद क्या करेगा इंसान उसका? ऐसी कौन सी चीज है जो जिसके पास दांत है पर वो खा नहीं सकता है? उसकी दांत है तो पर खा नहीं सकता है। हवा। हवा के पास दांत होते हैं। अच्छा सोचिए, हम लोग नहीं खा सकते उसको। कौन हम लोग को नहीं खा सकता है? तुझे कौन खाएगा? मुझे क्वेश्चन नहीं सुन रहा, बताओ। ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास दांत है पर वो खा नहीं सकता? अच्छा है पर खा नहीं सकता वो। न्यू बॉर्न बेबी के पास दांत होते हैं पर खा सकते? कुछ भी, उनके पास दांत ही नहीं होते। सोचो सोचो, इंटरेस्टिंग है। पास। कौन के दांत होते? ओ चलो, हाँ होते। विराट ने जडेजा को पेप्सी लाकर दी पर जडेजा ने पहले पेप्सी रोहित को दिया, है क्यों? विराट ने जडेजा को पेप्सी लाकर दी पर जडेजा ने पहले पेप्सी रोहित को क्यों दिया? क्यों दिया? तुम बताओ भाई, इसका क्वेश्चन है तो। क्योंकि 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 रोहित के पास जादू है। हाँ रोहित के पास जादू है। पास कर पड़ा पास, क्योंकि रोहित ओपनर था। ऐसा कौन सा इंसान है जो कभी घर के अंदर नहीं रहता? वॉचमैन। नहीं वॉचमैन का घर नहीं होता, उसकी फीलिंग भी नहीं होती। ऐसा कौन सा इंसान है? गॉड। भाई मारो, मुझे मारो मारो, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इंसान किसका आखिर? मैं तुम्हें इंग्लिश में बताती हूँ उसका मीनिंग क्या है, कि कौन सा मैन है, मैन मैन जो घर के अंदर नहीं रहता। पास कर दो जल्दी टाइम। नहीं पास कर दो, पास कर दो, कर दो पास। कोई बड़ा कब बनता है? कोई बड़ा कब बनता है? जब उसकी हाइट बड़ी हो जाती है। जब वो नौकरी करने की किस पर आ जाता है? नौकरी करने की किस पर आ जाता है? शायद जब उसकी मम्मी पापा उसे चॉकलेट आइसक्रीम देना छोड़ देते हैं। नहीं ये बोल दो ना कि जब उसके छोटे भाई बहन पैदा हो जाते हैं तब वो बड़ा बन जाता है। हाँ सच्ची, यही आंसर है? बिल्कुल नहीं। आंसर क्या है? कोई बड़ा कब बनता है? पास यार। पास। मम्मी दही बड़ा बनाते तो उड़द दाल भी होती है ना। अरे वो वाला बड़ा नहीं, ये वाला बड़ा। खाने वाला बड़ा, खाने वाला। मैंने तो कभी रेसिपी नहीं पूछी। चलो अच्छा हो नहीं पूछी दे तो। कौन सा लेटर ठंडा महसूस करता है? एसी। नहीं बी, क्योंकि वो एसी के बीच में होता है। राइट आंसर।
आंसर. वाओ, आई एम प्राउड ऑफ यू माय चाइल्ड. अफ्रीका में एक बच्चे का जन्म हुआ, बताओ उस बच्चे की दांत का रंग क्या होगा. बच्चे के दांत ही नहीं होते अभी तो हम लोगों ने दांत का टॉपिक पढ़ाया. अरे यार पर बता दी, मैं सोची कि अपना दिमाग भी लगाएगी. चलो वापस. ऐसा कौन सा महीना है जिसमें 28 दिन होते हैं. नॉर्मल है फरवरी. पक्का. नहीं पक्का नहीं, सब कोई दिमाग होगा. पास करो, पास. दिमाग मत लगाओ, तुम्हारे पास है नहीं. इतना यूज कर दी. देखो हर महीने में 28 दिन होते ही होते हैं. हाँ हर महीने में होते हैं, मैंने बोला तो. इसलिए हर महीने में फरवरी भी आता है. तुमने नहीं बोला, तुम हार गई हो. आज कोई नहीं. अच्छा आज बोलिए. अगर कोई ग्रह पृथ्वी से टकराता है, टकरा जाए तो क्या होगा. पृथ्वी का एक कोना टूट के गिर जाएगा, और क्या होगा. तो वो कोना नहीं, गलत है. क्या गलत है, आंसर गलत है. मैं सोची क्वेश्चन ही गलत है. तो मेरे बात को रिपीट क्यों कर रही है. देखो अगर कोई ग्रह पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, और क्या. ग्रह, ग्रह मतलब क्या होता है यार. ग्रह मतलब कोई और प्लैनेट. सारी तो एक लाइन से चलते तो टकराएंगे क्यों. अरे यार पास करो. अब स्टन की आवाज आएगी. ये पृथ्वी कोई स्टील का बॉल है. ए प्लास्टिक नहीं है. कौन है. दुनिया का सबसे छोटा रूम कौन सा है. ऐसा नहीं बोलते. रूम ग्रूम. कल दिमाग अच्छा लगा लेकिन आंसर गलत है. ऐसा ग्रू ग्रू. जी आर ओ ओ एम. नहीं गलत है. चल कौन सा. पास. कौन सा. पास दे दो. आंसर ले लो. दिमाग पे जोर मत लगाओ, दिमाग जीत रहा है उतना कम हो जाएगा. अरे यार रुको, मेरे को थोड़ा सोचने तो दो. बाथरूम. बाथरूम क्यों. सबका किसी किसी को बाथरूम में रहने का शौक हो तो इतना बड़ा बाथरूम बनाए वो. पास. मशरूम. मश भी कोई रूम होता है. अच्छा पता चला. लगातार 2 दिन तक बारिश क्यों नहीं हो सकती. क्योंकि बीच में रात आता है. ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है. ऐसा कौन सा टेबल है जिसका जिसके पास पैर नहीं होता. जो हम बुक में टेबल लिखते हैं वो. क्यों उसके लाइन होते हैं ना. वैसे आंसर इसका गलत है. क्यों. आंसर हो सकता था लेकिन गलत है. बोल दिया बोल दिया. मानो गिरी बात. हार जाओगे. ऐसा तो कोई टेबल नहीं होता. मतलब ऐसा तो हर टेबल होता है जिसके पास पैर नहीं होते. क्योंकि उनके पास तो ऐसे लकड़ी होती है ना. डंडे होते हैं नीचे, पैर थोड़ी ना होते. चुप रहे. आंसर बताओ. स्टेबल. स्टेबल. स्टेबल के पास पैर नहीं होते कुछ भी. अरे यार कौन सा टेबल. पास. लास्ट है. लास्ट. पेपर टेबल. पेपर टेबल ही कौन सा टेबल होता है. सर्च वाला. वेजिटेबल. टेबल टेबल टेबल. वेजिटेबल. तैयार. लेकिन वेजिटेबल के ऊपर होता है ऐसे कुछ भी. उसके हाथ होते हैं क्या. चलो चलो. तो फ्रेंड्स आज का ये चैलेंज खत्म हो गया और हमें हमारा लूजर मिल चुका है. और लूजर है सांची. हाँ तो अब मुझे अपनी बुन बुन का घड़ा फोड़ना पड़ा और निकालना पड़ा अपना पॉकेट मनी जो मैं पिछले नागिन बनी थी. नागिन की तरह पैसा ले ली मेरा करके सारा. ये अब अमीर बन गई. तो फ्रेंड्स मुझे मिल गया मेरा इनाम और आपको भी अब करना है अपना काम जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब एंड लीव अ कमेंट डाउन बिलो. बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग.